प्रतिदिन घटते कृषि जोत एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवक कृषि सह व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी सह व्यवसाय के अंतर्गत प्रदेश में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन इत्यादि को अपनाया जा रहा है। साथ ही मुर्गी पालन भी अधिक मात्रा में विस्तार से किया जा रहा है। इससे कम समय एवं कम पूंजी से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। वैसे तो मुर्गी पालन दो उद्देश्यों हेतु, मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन पर। इसके लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे उन्नत नस्ल की मुर्गियों का चयन करना, स्थान का चुनाव, आहार व्यवस्था पर ध्यान देना व उनका देखरेख प्रबंधन इत्यादि। क्योंकि यदि इन सभी बातों की अनदेखी करते हुए यदि इस व्यवसाय को अपनाया गया तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं, जैसे मुर्गियों का बढ़वार धीमी गति से होना, बीमारियों का प्रकोप होना इत्यादि से जूझना पड़ता है, क्योंकि इन समस्याओं के कारण मुर्गियों के अंडा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंततः कुक्कुट पालक भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, यदि अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है जिससे आपका यह व्यवसाय लाभकारी हो सके, इसकी विस्तृत जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक कुक्कुट पालन भारतवर्ष में एक सुप्रसिद्ध व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में भारत अंडा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। ये स्थिति वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, उचित पोषण प्रबंधन तथा अच्छी प्रजाति के चूजों के कारण ही संभव हुई है। जैसे जैसे उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है, कुक्कुटों की संवेदनशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। अच्छा अंडा उत्पादन प्राप्त करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आवास प्रबंधन। आवास कोलाहल से दूर ऊंचे स्थान पर, जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तथा जहां पर दिन में 3-4 बार भ्रमण किया जा सके होना चाहिए। घर हवादार होना चाहिए तथा दक्षिण या पूर्व की तरफ होना चाहिए। कुक्कुट गृह के अंदर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ब्रूडर, ब्रूडर गार्ड, दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, बल्ब, बिछावन, अंदर तथा बाहर वायु सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। कमरे के चूने से पुताई, गंदगी, जाल इत्यादि साफ करना, कमरे में दरार बंद करना, प्रवेश द्वार पर चूना छिड़कना एवं चप्पल दरवाजे पर उतार कर अंदर आना। घर के अंदर लेयर पक्षी के लिए 0 से 8 सप्ताह, 9 से 10 सप्ताह तथा 21 सप्ताह से ऊपर फर्शी स्थान क्रमशः 700 से 950 तथा 2400 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। जहां तक अंडा उत्पादन हेतु चूजों की प्रजाति का प्रश्न है, इसमें व्हाइट लेग हारने या संशोधित परिमार्जित प्रजाति का अंडा पालन हेतु चुनाव किया जाता है। चूजे खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छी ब्रूडिंग सुप्रबंधन। सामान्यतः अंडा पालन में ब्रूडिंग की अवधि 0 से 8 सप्ताह की होती है। चूंकि इस समय चूजों के पंख विकसित नहीं होते, अतः वातावरण कारकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। इसके अतिरिक्त दाना पानी खाने की आदत डालना भी आवश्यक होता है। ब्रूडिंग होवर तथा गर्म हवा गैस द्वारा की जा सकती है। कोई भी विद्या अपनाई जाए, ब्रूडर गृह की व्यवस्था निम्न प्रकार की होनी चाहिए। ब्रूडर हाउस हवादार होना चाहिए, साथ ही ऐसा हो कि हवा के ठंडे झोंकों का प्रभाव चूजों पर कम से कम पड़े। यह गृह चूजों के आने से 5 से 7 दिन पहले तैयार हो जाना चाहिए। ब्रूडर गृह के सारे उपकरण की अच्छी साफ सफाई करके, जैसे ब्रूडर हीटर तथा पानी के बर्तन इत्यादि, साफ सुथरा आरामदेह बिछाली की 1 से 2 इंच बिछा देनी चाहिए। तापमान नियंत्रण प्रणाली की जांच करके एक सुनिश्चित तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट रखना चाहिए। अब ब्रूडर गृह कुक्कुटों के चूजों के आगमन लायक हो चुका है। चूजे आने के बाद निम्न कार्य संपादित होने हैं। चिक वक्स को सीधे ब्रूडर गृह ले जाना है तथा चूजों को ओवर के नीचे सावधानी के साथ छोड़ना है। ब्रूडर का तापमान प्रारंभ में 95 डिग्री फारेनहाइट रखना है तथा प्रति सप्ताह 5 डिग्री फारेनहाइट घटाना है। चूजों को इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ पानी देना है। गृह में तथा इसके आसपास अच्छी वायु सुरक्षा रखनी है। चूजों के व्यवहार, आहार, पानी की मात्रा तथा मृत्यु दर पर विशेष ध्यान रखना है। बिछाली को गीला होने से बचाना है, जिससे अमोनिया गैस का उत्पादन स्तर न बढ़े। प्रथम 4 घंटे में कोई राशन नहीं देना है।
इसके पश्चात स्ट्रेस कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का घोल देना चाहिए। प्रत्येक चूजे को 2 से 3 सप्ताह तक 5 सेंटीमीटर खाने का स्थान होना चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान लंगड़े, कमजोर, बीमारी तथा जिसमें वृद्धि दर ठीक नहीं है, ऐसे चूजों की छटाई कर देनी चाहिए। 0 से 8 सप्ताह तक सफल ब्रूडिंग के पश्चात चूजों को ग्रोवर गृह में स्थानांतरित करते हैं। ब्रूडिंग के पश्चात से लैंगिक परिपक्वता के मध्य का समय ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। बाधक चूजों के लालन पालन में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दौरान प्रति कुकुर 3 इंच खाने का स्थान, 25 से 30 मुर्गियों के लिए 18 इंच व्यास वाला लटकने वाला दाने का बर्तन होना चाहिए। गृह में भीड़ नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्षी 900 वर्ग सेंटीमीटर स्थान पर्याप्त होता है। राशन गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। वर्धन राशन में प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 16% तथा 2750 किलो कैलोरी होनी चाहिए। भोजन में पत्थर के टुकड़े जरूर देने चाहिए। खाने के बर्तनों की ऊंचाई वर्धक चूजों के पीठ के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार हम यदि उपरोक्त बातों का ध्यान रखें तो सफल ग्रोइंग हो सकती है। 8 से 10 सप्ताह की ग्रोइंग अवस्था के बाद हम भली प्रकार छटनी करके स्वस्थ मुर्गियों को लेयर ग्रह में स्थानांतरित करते हैं। इस दौरान निम्न मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए। लेयर ग्रह में दीवार के सहारे घोंसले 40x30x25 घन सेंटीमीटर निर्मित कर लेने चाहिए। ऐसा एक घोंसला 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। लेयर ग्रह में करीब 18 घंटे नियमित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अंडा उत्पादन बराबर होता रहे। लाइट इतनी हो कि अखबार पढ़ा जा सके। नर पक्षियों को 1 सप्ताह पहले स्थानांतरित कर लेना चाहिए। लेयर मुर्गियों को लेयर राशन देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 15% तथा 28 किलो कैलोरी होनी चाहिए। दाने का बर्तन उचित आकार का, बर्तन एक बार में आधे से अधिक ना भरे। ठंडी में दाने की खपत गर्मी से ज्यादा होती है। गर्मी में पानी पीने के बर्तनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं लगने वाले रोगों एवं प्रबंधन की। तो टीकाकरण इसका सर्वोत्तम उपाय है। भारतवर्ष में अंडार्थ पाले गए कुक्कुटों में निम्न टीकाकरण कार्यक्रम अपनाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब अगर इसकी आर्थिकी को देखें तो किसान भाइयों 1000 लेयर के आय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है।